अस्सलाम वालेकुम, हम यहाँ पे मौजूद हैं इंडोनेशिया में और जैसे आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो टावर है, यहाँ पे हमारे स्पोर्ट्समैन जो एशिया के जसारे आए हुए हैं यहाँ पे मौजूद है। तो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है जनाब गुलजैब साहब, जो कि कल ये खेलने जा रहा है बॉक्सिंग मैच कजाकिस्तान के साथ, जो कि बहुत ही आप जैसे जानते होंगे कि कजाकिस्तान जो है एशिया का चैम्पियन रहा है। तो इसका कल मैच है, तो हम यहाँ पे जनाब गुलजैब साहब से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेंगे। जनाब गुलजैब साहब, आप अपना इंट्रोडक्शन कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है गुलजैब, मैं कराची की तरफ से हूँ और औरंगी टाउन गोसिया बलोच कॉलोनी, मैं बॉक्सर, एक ही बॉक्सर हूँ अपने इलाके का। मैं इंडोनेशिया आया हूँ, इंशाल्लाह कल मेरी मैच है कजाकिस्तान के साथ, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की नुमाइंदे की तरफ से मैं खेलने आया हूँ। तो इंशाल्लाह ये कल टूर्नामेंट है, तो इसको मैं इंशाल्लाह जीतूंगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप बिल्कुल जीतेंगे और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। आप गुलजैब साहब, कितने इंटरनेशनल मैचेस खेले हुए हैं पाकिस्तान की तरफ से और कितने जीते हुए, कितने मेडल्स हैं आपके? तो मैंने पाकिस्तान की तरफ से खेले हैं तकरीबन, ये मेरा छठा टूर्नामेंट है इंटरनेशनल, छठा टूर्नामेंट है, छः टूर्नामेंट मैंने खेले हैं, तो ये मेरे सातवां टूर्नामेंट है इंटरनेशनल में मैं आया हूँ। अच्छा, इसके लिए इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा तो मेडल लगे मेरा। तो बाकी गेमों पे मैं इंडिया गया था तो इसमें मेरा एक मेडल लगा, सिल्वर मेडल। ज़बरदस्त जी है, तो इसमें भी कोशिश है, तो मैं चाहता हूँ मेरा इंटरनेशनल में आया हूँ पाकिस्तान की तरफ से, तो मेरा इसमें मेडल लगना बहुत ज़रूरी है, तो मैं बहुत कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। कल मेरी मैच है कजाकिस्तान के साथ, मेरे समझ के हर फाइट खेल के मैं फाइनल समझ के खेलता हूँ अपना फाइनल। ज़बरदस्त जी, जैसे आपने सुना कि ये गुलजैब साहब जो है इन्होंने इंडिया में जाके, लेकिन इंडिया से फाइट नहीं जीता है फाइनल में, मतलब इंडिया में जाके इन्होंने सिल्वर मेडल वहाँ से पाकिस्तान के लिए ले आया हुआ है, और जो कि इसने इन्होंने जो कहा था कि ये अपने इलाके का वाहिद बंदा है जो बॉक्सिंग में यहाँ पे आया हुआ है ऐसे इंटरनेशनल मैचेस खेले हुए। जी अच्छा, तो आपका कोई ऐसा फेवरेट मैच जो आपने खेला हो और आपको बहुत ही लुत्फानंदोज किया हो, कौन सा मैच था? अभी जो नेक्स्ट हम गए थे, ये क्या नाम है, ऑस्ट्रेलिया में गया था। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में गया था, उसमें मैं एक पार्ट जीता हूँ, एक पार्ट जीता हूँ, तो दूसरी पार्ट में जीते मैं हार गया हूँ। अच्छा, तो उसमें मेरा मेडल ज़ाया हो गया। तो उसमें मैं कोशिश बड़ा करता रहा, मेरा शौक भी था। अच्छा, और अभी तक भी मेरी शौक है बॉक्सिंग। अच्छा, तो मैं अपने इलाके का औरंगी टाउन गोसिया बलोच कॉलोनी का मैं एक ही बॉक्सर हूँ, तो इसमें पाकिस्तान की तरफ से मैं मतलब के आया हूँ खेलने के लिए, तो इसमें मेरा बहुत 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 मेरी शौक है इसमें, तो अल्लाह पाक मुझे मेडल इंडोनेशिया से उन लोग के सामने से मुझे दे के पाकिस्तान के नुमाइंदे के लिए, तो पाकिस्तान में मेरा नाम रोशन हो जाए। जी बिल्कुल, हम भी आपके लिए दुआ करते हैं और हम अपने कौम से भी अपील करते हैं कि वो आपके लिए भी दुआ गो रहे कि आप मैच अपना जीते और पाकिस्तान के लिए गोल्ड ले आए, सिल्वर ले आए या ब्रॉन्ज ले आए, आप जो भी ले आएंगे या नहीं लाएंगे, आप हमारे लिए फ़ख्र हो, हम आप पे फ़ख्र करते हैं, हम आप पे प्राउड करते हैं कि आप यहाँ पे एटलीस्ट यहाँ पे नुमाइंदगी के लिए आए हुए, आप खेल रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। अच्छा, तो आप अपने टाउन के लिए, अपने कम्युनिटी के लिए, ये अपने पाकिस्तान ममालिक में जो आपके फैंस हैं, इसके इन लोगों के लिए कोई मैसेज देना चाहते हो? इन लोगों के लिए मैसेज यही है, बस ये हमारे लिए दुआएं करे, तो इसमें तो अल्लाह पाक मुझे इज्जत देवे, कामयाबी देवे इंशाल्लाह, दोस्तों से यही मेरी गुजारिश है। बिल्कुल, थैंक यू। और आखिर में हम कहेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।